ओम शांति। दादी गुलजार जी की विनाश कल्याणकारी है कि लास्ट क्लास की श्रृंखला है। साकार बाबा को यह एकदम पक्का था कि आज ब्रह्मा हूं, कल जाकर कृष्ण बनूंगा। जैसे ड्रेस सामने रखी हो उसे पहचान लो, तो उसे पहचानना हो ना, ये ड्रेस सामने रखी है तो ये कौन, ये मेरी ही ड्रेस है। तो कृष्ण को भी जैसे पहचान लिया कि ये मैं ही बनने वाला हूं। तो आज हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए देवता रूप की ड्रेस तैयार है ना, हमारी देवता रूप की ड्रेस तैयार है। हाँ जी, हमने यहाँ जो कर्म किया है तो हमारा फल तो तैयार है ही ना, इसमें डर काहे का है। अगर शरीर छूटना ही है तो इसमें घबराने की क्या बात है, जाकर नया लेंगे। इसलिए हमको मृत्यु से भी भय नहीं है। मनुष्यों को मृत्यु का डर इसलिए होता है कि उनको पता ही नहीं है कि मृत्यु होती क्या है। वह सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा पशु बनेंगे। हमें तो पता है कि हमको तो देवता ही बनना है, इसलिए हम निश्चिंत है। अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिक्र होगा, पर उस चिंता में शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य क्या बनेगा। बाबा हम लोगों को टाइटल देता है बेफिक्र बादशाह। क्या फिक्र है, बाबा सेवा करा रहा है, ला रहा है, शरीर को भी चला रहा है, आत्मा को भी भोजन देकर आगे बढ़ा रहा है, सेवा भी करा रहा है। हमारा कर्म अच्छा है तो भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल बेफिक्र है। कोई फिक्र नहीं ना, अगर हमारा अभी वर्तमान अच्छा है, पुरुषार्थ अच्छा है तो बेफिक्र। तो ये तैयारी हमको विनाश से पहले करनी है। हम शरीर के भान से न्यारे रहने का अभ्यास करते रहे। चोला टाइट नहीं होना चाहिए, जो टाइट वस्त्र पहनता है वह समय पर उतार नहीं सकता, उसको उतारने के लिए टाइम चाहिए। जो लूज पहनता है वो सेकंड में बदल सकता है। अगर हिसाब किताब का धागा टाइट बंधा है तो उस समय हम अशरीरी नहीं बन सकते, स्वतंत्र होंगे तो कोई भी बंधन खींचेगा नहीं। यदि रस्सी बंधी हुई होगी तो हम ऊपर जाना चाहेंगे लेकिन वह नीचे ले आएगी। रस्सी नीचे बांध दिया तो ऊपर उड़ना भी चाहे फरिश्ता बनकर तो रस्सी वापस नीचे खींच लेगी। इसलिए पहले सूक्ष्म धागे तोड़ने हैं, मोटे मोटे धागे नहीं। जैसे मोह नहीं है लेकिन टाइम पर मोह अंधा बना देता है, ऐसे नहीं समझो कि मेरे सारे विकार खत्म हो गए हैं, लेकिन अंदर देखो कि अंश मात्र भी कहां रह तो नहीं गए हैं। यदि इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छी चीज भी खींचेगी। अंश रूप में भी है तो उसे खत्म करना है। कई बड़ी बड़ी बातें सुनकर डर जाते हैं, कहते हैं इतना करना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो सकेगा। बाबा के पास आए हैं, दाता के पास आए हैं तो दो मुट्ठी भरकर खुश हो रहे हैं। देखो, दाता के पास, विधाता के पास आए और केवल दो मुट्ठी भरकर खुश हो रहे। अरे पूरी झोली भरो ना। दिल शिकस्त इसलिए होते हैं कि बाबा का साथ अनुभव नहीं होता, कंबाइंड नहीं है। हम कितने भी कमजोर हैं लेकिन बाबा कमजोर नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। तो हम अपने को अकेला क्यों समझते हैं? दिल शिकस्त होने के कारण कई बार कह देते हैं आप समझ लो, मैं ऐसे ही चलूंगी, मेरा भाग्य इतना ही है, चाहे मैं लक्ष्मी नारायण बनूं या नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। लेकिन मैं कमजोर भी हूं तो भी मेरा साथी तो सर्वशक्तिमान है। यह याद रहेगा तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे।
एक है नॉलेज की रीति से दिमाग से पहचानने वाले, दूसरे है दिल से पहचानने वाले। तो दिमाग की रीति से हमने अगर बाबा को पहचाना है कि हाँ ठीक है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, परमधाम में रहता है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, ये शक्तियां हैं, ये हमने सिर्फ नॉलेज की रीति से दिमाग से जान लिया कि बाबा ये है और दूसरा है जो मेरी दिल कहे कि हाँ मेरा बाबा है। सिर्फ नॉलेज के आधार से प्यार नहीं पैदा होता, प्राप्ति के आधार से प्यार होता है। तो प्राप्ति को पहले सामने लाओ, सिर्फ बाबा बाबा नहीं करो। प्राप्ति ऐसी चीज है जो किसी अनजान से भी संबंध जुट जाता है। कहीं रास्ते में आपको ठोकर लग गई, वहां आपका कोई भी नहीं है, लेकिन किसी अनजान ने आपको सहारा दिया, आपके दिल का प्यार उससे हो जाएगा, क्योंकि प्राप्ति हुई ना। फौरन ही कहेंगी आपको हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कोई संबंध ही नहीं है और जीवन भर नहीं भूलेंगे, सोचो, क्योंकि प्राप्ति हुई। तो बाप और बच्चे के संबंध को प्राप्ति के आधार से याद करो। बाबा ने मुझे क्या दिया? बाबा से क्या आनंद की अनुभूति हुई? क्या शांति की अनुभूति हुई? क्या निस्वार्थ प्यार की अनुभूति हुई? उस प्राप्ति में डूब जाओ, उस अनुभव में खो जाओ, फिर आपको दिल से बाबा से प्यार अनुभव होगा, जैसे कंबाइन चीज है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। यह है दिल से बाबा को याद करना। बाकी नॉलेज के आधार से दिमाग से याद किया तो नजदीक अनुभव नहीं कर सकेंगे। थोड़े टाइम के लिए शांति मिलेगी, थोड़े टाइम के लिए सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, सदा काल के लिए नहीं। बाबा कहते हैं, अभी तो यह कहो कि याद करना मुश्किल नहीं, लेकिन भूलना मुश्किल है, क्योंकि प्राप्ति के आधार पर दिल ने माना मेरा बाबा है। जब दिल में कोई बात आ जाती है तो बहुत मुश्किल निकलती है, दिमाग तक होती है तो चेंज हो जाती है। आशिक माशुक होते हैं तो एक दो के प्यार में समा जाते हैं, कितना भी दुनिया चाहे उनको अलग कर नहीं सकती। ये तो बाबा है, हमारा बाबा है। तो दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा कहना माना आत्मा रूप में स्थित होना। कभी कभी हम बाबा को याद करने बैठते हैं, लेकिन आत्मा रूप में स्थित होकर बाबा को याद नहीं करते, इसलिए मेहनत लगती है। रबर उतारे बिना कनेक्शन जोड़ने लग जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर का जो रबर है वो नहीं उतारा और कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करे तो नहीं जुड़ता ना। बाबा है, लेकिन किसका बाबा? शरीर का तो नहीं है, आत्मा का बाबा है ना। पहले आत्मा समझकर बाबा को याद किया, लेकिन यदि खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में है और बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, यह कभी भी हो नहीं सकता। टाइम वेस्ट जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर कहेंगे मेरा माथा भारी हो गया। क्यों भारी हुआ? क्योंकि रबर उतारा ही नहीं ना, कनेक्शन जोड़ा ही नहीं तो भारी होगा ना। प्राप्ति होगी नहीं, करंट आएगी नहीं, रोशनी आएगी नहीं, तो जरूर माथा भारी होगा और नींद भी नहीं आएगी। बुद्धि की, मन की थकावट नींद ले आती है, माथा भारी कर देती है, फिर बुद्धि थक जाती है तो नींद आने लगती क्योंकि माथा भारी हो जाता है। इसलिए प्राप्ति को पहले सामने लाओ। प्राप्ति सामने लाएंगी ना तो नींद आने वाली भी फिट जाती है। अनुभव में चले जाओ। ऐसे नहीं कि सुख का सागर शांति का सागर है, हम तो तोते हैं, नहीं, तोते मिसल नहीं, अनुभव में।
सही कहते हैं, बाबा जानी जान अनहार है, पहले ही विनाश की डेट क्यों नहीं सुना देता। लेकिन बाबा हमें सोल कॉन्शियस बनाने आया है। यदि मान लो आपको बता दे कि फलाने समय में विनाश होगा, तो आप सोल कॉन्शियस होगे या टाइम कॉन्शियस होगे? केवल टाइम को देखते रहेंगे कि ये टाइम पे विनाश होगा। टाइम बताने का काम तो ज्योतिष का है, आप एवर रेडी रहो, कल भी विनाश हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। और जितना भी टाइम लगे आपका अभ्यास ज्यादा अच्छा होगा। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आज की दुनिया बहुत गंदी हो गई है, अब जल्दी विनाश हो जाए? तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप यह कह रहे हो कि बाबा आप जल्दी जाओ, विनाश होना माना बाबा को जल्दी भेज देना। संगम की मौज कोई कम नहीं है, मौज में ही दुनिया है ना, हमारे लिए तो संगम है तो बाबा है। सतयुग में तो बाबा मिलेगा नहीं, इसलिए कोई यह नहीं सोचे कि बाबा टाइम बताएगा, सतयुग जल्दी आए। जब भी विनाश हो हम एवर रेडी रहे, दिल से सदा मेरा बाबा निकले, मेरा बाबा कहकर बाबा से एकदम चिपक जाओ। सभी ऐसे ही। अच्छा, ओम शांति। तो आज ये विनाश कल्याणकारी है, दादी गुलजार जी का क्लास एकदम होता है, और कल हम दादी गुलजार जी का नया क्लास सुनेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, साकार मुरली का महत्व तथा सुनने की विधि। कल से इसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओम शांति।